हेलो स्टूडेंट दिस इज चैप्टर सिक्सटीन ऑफ योर सोर्स स्टडी बुक टेक आउट योर सोर्सेज स्टडी बुक ओपन पेज नंबर नाइनटीन बर्थ ऑफ द यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन का जन कैसे वन यूनाइटेड नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है द इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज वॉज फॉलोड बाय द सर्च फॉर ए मार्केट टू सेल दर्थ मैन्यूफेक्चर प्रोडक्ट एंड सोर्स ऑफ रॉ मेटेरियल फ्रॉप फॉर देयर इंडस्ट्रीज अब हुआ क्या जैसे ही यूरोपियन कंट्री में यूरोप की जो कंट्रीज थी उनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ मतलब उद्योग लगने शुरू हुए इंडस्ट्रीज क्या होती है जब किसी काम को किसी एक छत के नीचे मशीनों द्वारा बहुत सारे आदमियों द्वारा किया जाता है तो उसको कहते हैं इंडस्ट्री और सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन जो शुरू हुआ था वो ब्रिटेन से शुरू हुआ था तो ब्रिटेन एक यूरोपियन कंट्री और धीरे धीरे सब जगह फैला तो जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ सामान बनने लगा अब उस सामान को बेचने के लिए मार्केट चाहिए था ठीक है ना कहीं तो उस बने हुए प्रोडक्ट को बेचे तो उसके लिए मार्केट चाहिए था साथ, साथ सामान को बनाने के लिए जो भी प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए क्या चाहिए था रॉ मेटेरियल चाहिए था रॉ मेटेरियल होता है जिससे वो सामान बनता है आप ये दोनों चीजों को देखते हुए क्या हुआ कि रिजल्ट हुआ इसका कॉलोनाइजेशन अब इसको आगे पढ़ते हैं इट रिजल्टेड इन कॉलोनाइजेशन एंड कंट्रोल ऑफ मैनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज बाय यूरोपियंस और इसका क्या नतीजा निकला कि कॉलोनाइजेशन शुरू हो गया एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज में मीन्स यूरोपियन कंट्री ने क्या किया उनको अपने अधिकार में लेना शुरू कर दिया कॉलोनाइजेशन में क्या होता है कि वहां पर किसी उसको क्या कर लेते हैं उस देश को अपना गुलाम बनला लेते हैं और वहां पर यह कि वहां खुद जाके नहीं रहते हैं। सिर्फ वहां अपने कुछ लोग अपॉइंट कर देते हैं जो क्या करते है? काम काज को देखते हैं जैसे कि हमारा भारत भी जो था वो किसका था ब्रिटेन का गुलाम था वो हम क्या थे उसके कॉलोनी, कॉलोनी थे हम उसके, ठीक है ना? अब धीरे धीरे क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था तो एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज की तरफ यूरोपियन कंट्रीज भरने लगी द पीपल ऑफ दिस कंट्री सफर्ड एक्सप्लोटेशन एट द ऑफ इम्प्रेलिस्ट पावर और जब इन लोगों ने हम आ, अधिकार किया तो यहाँ के लोग जो हैं उनका क्या होने लगा शोषण होने लगा किन के हाथों तो जो आ, कह सकते हो साम्राज्यवाद फैला रहे थे अपना या अपनी पावर को बढ़ा रहे थे उन कंट्री के लोगों द्वारा जिस कंट्री को उन्होंने अपने अंडर में दिया लिया था उस कंट्री के लोगों का एक्सप्लोटेशन मीन्स शोषण होने लगा दे स्टार्टेड मूवमेंट टू बिकम इंडिपेंडेंट और उन्होंने क्या किया आजाद होने की कोशिश करी उसके लिए मूवमेंट चलाना शुरू कर दिया द रिवाइलरी ऑफ यूरोपियन कंट्रीज फॉर गेनिंग मोर कॉलोनीज एंड एक्सपेंडिंग दर रिजल्टेड इन टू टू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट नाइनटीन फोर्टीन टू नाइनटीन एटीन एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड नाइनटीन थर्टी नाइन टू नाइनटीन फोर्टी फाइव आप इधर तो जो लोग गुलाम थे वो लोग कोशिश करे थे आजादी की उधर जितने भी यूरोपियन कंट्री थे सबके बीच में क्या होने लगा सबके बीच में कंपटीशन होने लगा रिवेलरी होने लगी मतलब कंपटीशन होने लगा कि कौन ज्यादा कॉलोनी को अपने अंडर लेगा ज्यादा देशों को अपने अंडर लेगा और अपने एम्पायर को बढ़ाएगा और इसी वजह से क्या हुआ दो वर्ल्ड वॉर हुई दो विश्व युद्ध हुए वर्ल्ड वार फर्स्ट जो थी वो 1914 से 1918 तक चली और इसी तरीके से वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है वो 1939 से 1945 तक चली मिलियंस ऑफ पीपल वर किल्ड सेवरल सिटीज वर डिस्ट्रॉय फैमिली सफर्ड एंड इनोसेंट पीपल वर दर्स्ट विक्टीम देर एवरीवेयर और इससे क्या हुआ बहुत सारे लोग मरे इस वर्ल्ड वॉर में जो दोनों वर्ल्ड वॉर थी बहुत सारे लोग मरे बहुत सारी जो सिटीज थी शहर थे वो डिस्ट्रॉय हो गए वो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी फैमिली ने इसको सफर किया और जनरली जो मासूम लोग थे वो इसका सबसे ज्यादा शिकार हुए देर वॉज सोरो जगह दुख और डर पैदा हो गया आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सम यूरोपियन कंट्री एंड यूएसए हेड सेट अप द लीग ऑफ नेशन इन नाइनटीन नाइनटीन अब जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुई तो कुछ यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने और यूएसए ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने क्या किया एक ग्रुप बनाया नेशन का राष्ट्रो का ठीक है ना जो देश थे उनका एक ग्रुप बनाया नाइनटीन नाइनटीन में जिसको नाम दिया गया लीग ऑफ नेशंस बट इट फेल टू प्रिवेंट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर विच आर मोर डिस्ट्रक्टिव फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेकिन ये भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बना दिया था एक ग्रुप लेकिन ये ग्रुप भी क्या हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोक नहीं पाया दूसरा विश्व युद्ध होकर रहा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो थी वो बहुत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बहुत ज्यादा भयानक थी एटम बम वॉज ड्रॉप बाई यूएसए ऑन द टू जैपनीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड और इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो यूएसए था उसने एटम बम गिरा दिया था जापान के दो शहरों में उनके नाम है हिरोशिमा और नागासाकी दिस सिटीज वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय इन मिनट्स और कुछ ही मिनटों में ये दोनों शहर पूरी तरीके से नष्ट हो गए थे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसका फुल शॉर्ट फॉर्म है यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द यूनाइटेड नेशन इज ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशन ऑफ द वर्ल्ड नेटवर्क फॉर वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी एंड द वेलफेयर ऑफ पीपुल ऑल ओवर दर्ल्ड अब यूएनए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है ये राष्ट्रो की देशों की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किस क्या काम करती है पूरी दुनिया में शांति पीस सिक्योरिटी सुरक्षा और वेलफेयर कल्याण लोगों के कल्याण के लिए काम करती है मतलब शांति सुरक्षा और कल्याण के लिए काम करती है मैनी नेशन ऑफ द वर्ल्ड डिसाइडेड टू स्टेब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन मोर इफेक्टिव देन द लीग ऑफ नेशन दिस डिसीजन गेव बर्थ टू द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अब जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बहुत सारे देशों ने सोचा ठीक है डिसाइड किया कि हम क्या करें एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जो लीग ऑफ नेशन जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनी थी उससे ज्यादा पावरफुल हो उससे ज्यादा प्रभावी हो और इसी डिसीजन ने बर्थ इसी डिसीजन के कारण यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ The UN was formally established after the Yalta Conference in 1945, in which the USA President Roosevelt, the British Prime Minister Churchill, and Soviet Prime Minister Stalin met at San Francisco, Francisco in June 1945. A set of rules called the Charter of United Nations was made at this conference. यूएन ने का जब याल्टा कॉन्फ्रेंस हुई थी 1945 में वहां पर यूएसए की प्रेसिडेंट उस समय कौन थे रूस ठीक है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे चर्चिल और सोवियत प्राइम मिनिस्टर थे स्टालिन वो वहां पर मिले किस जगह पे सेंट फ्रांस फ्रांसिस्को में और जून 1945 में और वहां उन्होंने क्या किया यूएनओ को बनाने की सोची और उसके लिए कुछ रूल्स बनाए वो रूल्स क्या कहला है चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ये रूल्स उस कॉन्फ्रेंस में बनाए गए अब क्या था यूएन चार्टर उसके क्या रूल्स थे द यूएन चार्टर वॉज साइन बाई फिफ्टी कंट्रीज ऑन ट्वेंटी फोर अक्टूबर नाइनटीन फोर्टी फाइव यूएन चार्टर के पर सिग्नेचर किए पचास देश के लोग मेंबर थे उसके कब 24 अक्टूबर 1945 में उस पर सिग्नेचर किए गए जिस उस उस समय उसके उस देश कितने देश के लोगों ने उस पे सिग्नेचर किए 50 कंट्रीज के लोग उसके मेंबर थे दिस डे इज ऑब्जर्व एज यूनाइटेड नेशन डे और आज भी हम 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन के रूप में नेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं लेटर पोलैंड ऑल्सो ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन एज द फिफ्टी फर्स्ट मेंबर दू एन चार्टर कंट्री इन द फॉलोइंग मेन ऑब्जेक्टिव और उसके बाद एक देश और पोलैंड और उसका सदस्य बना इस तरीके से टोटल उसके मेंबर्स हो गए फिफ्टी वन अब जो यूएन चार्टर था उसमें मेन ऑब्जेक्टिव मेन उसके उद्देश्य क्या थे वो थे नंबर वन टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी क्या करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतलब पूरे देशों के बीच दुनिया भर के देशों के बीच शांति और सुरक्षा को सिक्योरिटी को बनाए रखना टू प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट एंड फ्रीडम फॉर ऑल पीपल और ह्यूमन जो मानव अधिकार है और उनकी आजादी है उसको क्या करना उसकी रिस्पेक्ट करना ठीक है

जो डिफरेंसेस हैं किस आधार पर रेस रेस बोलते हैं नेशनल मतलब कोई जैसे अगर हम बात करें अमेरिका में तो ब्लैक और वाइट पीपल होते हैं तो ये क्या है नस्ल हो गई उनकी रेस हो गई उसके आधार पर रिलीजन के धर्म के आधार पर लैंग्वेज के आधार पर भाषा के आधार पर और सेक्स मतलब मेल और फीमेल के आधार पर लोगों के बीच जो डिफरेंस है उसको खत्म करना टू सॉल्व इकोनॉमिक सोशल कल्चर एंड ह्यूमन प्रॉब्लम पीसफुल इन कॉरपोरेशन विथ एवरी नेशन और सभी नेशन के सभी देशों के सहयोग से लोगों के बीच आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक और मनुष्य मानव से लेकर रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको शांतिपूर्वक और सहयोग के साथ दूर करना द यूएन चार्टर स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम 24 फोर अक्टूबर नाइनटीन फोर्टी फाइव दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज द यूनाइटेड नेशन डे टूडे हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये चार्टर जो है इसने अपना काम शुरू किया था 24 अक्टूबर 1945 से और इसी दिन को आज भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज ए किस रूप में करते हैं यूनाइटेड नेशन डे के रूप में तो आपका ये क्या हो गया एक इसमें जीके का भी क्वेश्चन हो गया यूनाइटेड नेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है 24 अक्टूबर को तो स्टूडेंट रीज दिस चैप्टर हैव अ नाइस डे। गुड बाय